हेलो फ्रेंड्स, फेमिना जय ब्लॉग्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो पार्ट टू मेहरानगढ़ फोर्ट आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये एक जोधपुर शहर का भव्य किला है, इसलिए दो तीन पार्ट्स में बनाना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये 15वीं शताब्दी में राव जोधा जी ने जोधपुर शहर में बनवाया था। तो चलिए दिखाते हैं। ये लाइट में ऐसा ऐसा हो जाता है। ये है पर्दा जो बैम्बू स्क्रीन चिक से बना हुआ है। ये बांस का बना हुआ पर्दा है। महाराजा गज सिंह मन ये कवच है। पटार ये सोने की बनाई गई है। पांदान कलमदान चोपड़ा कलश कारीगरी की हुई है, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत। सुराही है, हबल बबल हुक्का, गोबलेट सुराही, जाम वाइन कप सुराही, मैडम ये देखिए चोगा, ये है बिद्री वेयर, बीदर की कारीगरी। This one is the idol of goddess Gangaur. Gangaur Devi ki murti.
करके सीप की ओर सीप में जोधपुर का इतिहास बता दो। ये सभी नेचुरल कलर्स है। ये राजा जब शिकार पर जाते थे तो ये टेंट लगाते थे। ये है शीश महल जो 17वीं शताब्दी पर बनवाया गया था और राजा का बेडरूम हुआ करता था। यहाँ पर अगर एक मोमबत्ती जलाई जाती है तो हजारों मोमबत्तियाँ जली हुई दिखाई देती है। देखिए कितना खूबसूरत। ये है फूल महल जो 29 किलो सोने से बनाया गया था और सामने आप देखेंगे ये रंगीन कांच नजर आ रहे हैं। ये बेल्जियम से उस वक्त मंगवाए गए थे और यहाँ पर राजा बैठकर नाच गाना डांस वगैरह देखा करते थे और कवि अपनी कविताएं सुनाया करते थे।
फूल महल। ये किला 400 फुट ऊंचाई पर है, देख सकते हैं आप। और आसपास 10 किलोमीटर दीवार है। Yes. बंद है, इसमें शस्त्र रखे हुए हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी फोटोग्राफी होती है। ये देखिए जोधपुरी पत्थर लगा। मुंशी जी काम किया करते थे वो वाला रोड। चल रही है। यहाँ बैठकर पूरा लेखा जोखा किया जाता था। नहीं, वैसे हिंदी में पालकी बोलते हैं। लिखते काम है कि पहुँचाना है और है ना। हाँ, ती महल यहाँ पर बैठ कर Thank you.
ये है मोती महल। यहाँ पर बैठकर मंत्रणा की जाती थी। में नाचे मोर गाना यही है। यस करिश्मा कपूर हम साथ साथ है कौन बोला मेरी तो ये बोल रहे जंगल कौन बोलेगा हेवड़ा बोले तो दिल में डोडी बोले तो अब हम एग्जिट पे आ गए हैं। कौन ये फोटो खिंचा रहा है? तो दोस्तों अब हम म्यूज़ियम देखकर बाहर आ चुके हैं। ये जोधपुर जूतियाँ फेमस और शॉप्स लगी हुई हैं बाहर और ये जोधपुरी सूट्स बंदेज के जो बाहर वाले बहुत पसंद करते हैं। तो हम अब पूरा किला देखकर अंदर से बाहर आ गए हैं म्यूजियम देखकर। अब हम तीसरे भाग में आपको किले की सारी तोपें बताएंगे और ऊपर का बाहर का साइड का एरिया बताएंगे। तो देखते रहिए कंटिन्यू। बहुत बड़ा किला है इसलिए 2-3 पार्ट्स में हमें बनाना पड़ रहा है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो? लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। देखते रहिए हमारी वीडियो और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़, अलविदा।